हेलो गाइस। सो गाइस, जो अपनी सीरीज चल रही है मौलाना की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। सो गाइस, देखिए ये पार्ट जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट कवरेज ऑफ मौलाना रोड दिखाई है और इसमें पूरा रूट है। और इसमें स्प्लेंडर काफ़ी जगह हार मान गई थी, बट हमने कैसे कैसे करके चढ़ाई है, क्योंकि ये अपने अंदर चुल थी कि यार एक बार स्प्लेंडर चढ़ानी है। और गाइज आपको बता दूँ, आई थिंक आर स्प्लेंडर इज़ द फर्स्ट इन इंडिया विच वेंट टू मलाना विद अ पिलियन। एंड आपको बता दूँ गाइज, सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और इस वाली वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने टाइम लैप्स ली थी उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त ऐसा हुआ था कि स्लोप इतना हाई आया, उस वक्त मैंने विक्रम को मुझे उतारना पड़ा और विक्रम को उतार करके चढ़ाई थी, बट चढ़ गई थी कैसे कैसे करके। और गाइज आपको बता दूँ, मलाना में बहुत कुछ है बिसाइड क्रीम। सो देखिए इस सीरीज़ को देखिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। सो करते रहिए यार, आगे शुरू करते हैं। गाइज, इस कहानी का एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है, ये सब हमारे ही कैमरे से दर्शाया गया है। आपको बता दूं, मलाना का रास्ता मुझे लद्दाख से भी टफ लगा था, तो इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट कवरेज, इसका पूरा रास्ता लिया है। और आप इसको देखिए, बहुत टफ है। दैट हाउ द वाटर इज कमिंग एंड दे स्टोर वाटर इन दिस एंड आई थिंक देयर इज अ टर्बाइन एंड फ्रॉम देयर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एंड बीइंग ट्रांसफर्ड टू इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। आ गया है और ये मलाना का गेट है और सीधा मलाना जाएंगे। और मलाना की रोड इतनी अच्छी बना दी है मैं जैसे कि देख रहा हूँ, बट स्लोप वही मिलेगा, चढ़ाने में मजा आएगा, बट ये रिस्क कम हो गया। रिस्क नहीं है कि आपके टायर सेफ रहेंगे। भैया ने बताया कि वहाँ पे किसी मंदिर को टच नहीं करना है, किसी के घर को टच नहीं करना है, किसी बच्चों को भी टच नहीं करना है। किसी लोग, तो भैया ऐसा क्यों है? तो मतलब वो कौन से देवता को मानते हैं? देवते का ही वो है, जमलू ऋषि को मानते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेसिकली वो हिंदू ही है। अकबर होता था पहले, अकबर राजा रहता था पहले। अकबर या सिकंदर? अकबर तो अकबर भी है, सिकंदर के वो मानते हैं अपने आप को वंश। अच्छा, भैया बता रहे हैं कि ये सिकंदर के वंशज मानते हैं, अलेक्जेंडर ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो ये हिस्ट्री है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। तो भैया जब वहाँ पे वो टच नहीं करने से, वो रुकने कैसे देते हैं वहाँ पे? वो रुकने क्यों देंगे वो? सकते हैं आप ऐसा कुछ, ये कैंपिंग वैम्पिंग बनाई है उन्होंने, जैसे टेंट्स वगैरह लगे होंगे। अच्छा अच्छा, कैफे वूफे बने हैं। और भैया जैसे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल वॉस्पिटल कुछ नहीं है, तो लोग बीमार बीमार क्या करते हैं? खुद ही इलाज करते हैं? नहीं, बीमार भी नहीं होता है। वाह, आप कहाँ के भैया? बता रहे हैं कि अगर मलाना में किसी ने कोई गाय पाली हुई है और वो किसी के घर पे जाती है और वो मंदिर को टच कर देती है, तो उसका हर्जाना भरना पड़ता है। कितना हर्जाना होता है भैया? 3500 का जुर्माना है। तो भैया ऐसा आपके सुनने में हुआ है कभी कि किसी ने छू दिया और देना पड़ा, उसे देना पड़ता है? अच्छा, अगर कोई देख ले तो ना, इनका ना कोई अपनी सरकार है, अपना है, इनका कोई नहीं। ये डेमोक्रेसी नहीं मानते? अपना है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है। हाँ जी, भाई कैसा लग रहा है रास्ता? बहुत मजा आ गया भाई। गाइस जब मैं आया था ये इतने स्लोप पे बिल्कुल टूटी हुई थी, गाड़ी बिल्कुल बच चुकी थी। और अभी ये चेक पॉइंट था यहाँ पे, वहाँ पे कोई राकेश भैया थे, मैंने उनसे थोड़ी जानकारी ली और आगे चल रहे हैं। एंड द फोटोग्राफी वाज प्रोहिबिटेड देयर, एम आई राइट विक्रम? हाँ गाइस, 2 मिनट के लिए बाइक रोकता हूँ, बाइक अपने आप ही पीछे जाती है और कंट्रोल करना भाई हो जाता है। उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पीड लिमिट 30 है और मेरी बाइक 30 से ऊपर जा भी नहीं रही, तो मेरी बाइक अपने आप ही आज्ञा का पालन करती है। ये कहती है कि मेरी बाइक को उसके एथिक्स जा रहे हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है,
वाटरफॉल्स देखो यार। इस रिवर का नाम मुझे पता नहीं चल पाया एग्जैक्टली। वो भैया बोल रहे थे पार्वती रिवर नहीं है, ये हमारी मलाना रिवर ही बोल रहे थे वो दोस्तों। चेतावनी लगी हुई है, वार्निंग फॉलिंग रॉक। चेतावनी सर्प आधारण से सूचित किया जाता है कि पत्थर गिरने का खतरा है। देयर इज अनदर विलेज ऑल्सो आई थिंक हिज नेम इज स्वान। थोड़ा सा पार्क खराब था, बाकी तो अच्छा ही है। आने वाली है टनल, बहुत ही प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल टनल है। वार्निंग फॉलिंग रॉक, डीप इन डीप क्लियर रॉक ऑल रिस्क एरिया। चेतावनी आगे सड़क ऊपर पहाड़ी पत्थर गिरने का खतरा है। अरे बीच बीच में मंदिर लगे हुए हैं, मंदिर बनाए हैं, जय हो। मैंने रास्ता ऐसा था कंप्लीट। अब इस टनल का स्ट्रक्चर देखा, सो गाइज हम टनल से बाहर निकल चुके हैं। टनल लिटरली बहुत ही अलग तरीके का मंजर था यार, स्ट्रक्चर ही अलग था टनल का। मैंने बहुत टनल विजिट किए हैं, ये टनल बिल्कुल ही अलग थी। और गाइज मलाना का स्लोप ऐसे बढ़ रहा है कि ना तो ये जैसे हम देख रहे हैं इसको इन रियल सो ये ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, बट जैसे बाइक चल रही है तो धीरे धीरे महसूस होगा बस। और बाइक मेरी, आपने पहले भी नोटिस की होगी ये बात कि बाइक मेरी सिर्फ फर्स्ट गियर सेकंड गियर, इससे आगे चल ही नहीं रही है यार। और मुझे तो ये लग रहा था कि एवरेज क्या देगी, बट स्प्लेंडर है यार। गाइस साइड में जो माउंटेन्स है इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। और एक और खासियत है इस मैजिक वैली की, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अंधेरा ही रहता है, सूरज यहाँ पे काफ़ी बाद में आता है। और आता है तो जिस तरफ ये लेफ्ट लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब कि राइट की तरफ यहाँ पे बहुत सूरज कम ही आता है। और गाइस अब जो स्लोप है धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है और अब एक टाइम लैप्स लेंगे।
सो गाइस आप देख सकते हैं विक्रम को किस तरीके से सांस चढ़ रहा है, और विक्रम को उतारना पड़ा क्योंकि बाइक बिल्कुल नहीं चढ़ रही थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल बाइक ने कह दिया कि नहीं मैं नहीं चढ़ूंगी, बाकी आप आगे देख लेना मैं खुद ही बोलूंगा। ये देखिए गाइस, इतना तकड़ा स्लोप था, इतनी तकड़ी हाइट थी, बाइक ने बिल्कुल दम तोड़ दिया था। बाइक बोल रही थी मुझसे, मेरे कान में आके बोल रही थी कि भाई मुझे रहने दे, पर चढ़ा। मैंने कहा तुझे जरूर चढ़ाऊंगा, चढ़ाया, बट बाइक ने बोला कि तू उतर जा फिर चढ़ा लेना, और मैंने वैसे ही किया जैसे मेरी बाइक बोल रही थी। मैं उतरा, विक्रम को भी उतारा, चढ़ाई कैसे कैसे, अब थोड़ा सा रेस्ट लिया है। कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं अब चढ़ जाएगी, अब तो प्लेन है, थक जाएगा, तू रहने दे, रहने दे, आगे मत जाइयो क्योंकि यहाँ से फ्लो बन जाएगा स्पीड का। सो गाइस यहाँ से बर्फ मिलनी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से ये बांध रह गया है 5 किलोमीटर। लिटरली इट्स कोल्ड अ रियल एडवेंचर। विक्रम इधर देखना क्या कहना चाहेगा इसको। बाइक की हालत तो खराब हुई हुई हमारी भी बहुत अच्छी। क्यों ठंड? आई थिंक विक्रम भाई AMS के शिकार हो चुके हैं। AMS इज कॉल्ड एक्यूट माउंटेन सिकनेस। झारखंड वाओ। बट ये लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पे? चलो हमें तो अपनी स्प्लेंडर का शौक तो चढ़ानी है, पर ये क्यों आ रहे हैं? ओ क्रीम, व्हाट इज दिस क्रीम? दूध की क्रीम, मलाई मलाई। जाड़ा बहुत हो रहा भयंकर, जाड़ा हो रहा। गाइस स्लो पड़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, और बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, और हल्के हालत टाइट हो चुकी है। पानी देखो कितनी टाइट से आ रहा है। एक चीज और भी होती है, जैसे इंसान को ऑक्सीजन चाहिए और उसका हाइट पे जाके सांस फूलने लगता है, ऐसे ही बाइक का भी होता है। बाइक जैसे जैसे जितनी हाइट पे जाएगी इंजन ठंड मारने लगता है। शायद आपको बता दूं मार्च का महीना बहुत अच्छा है, मार्च के 30 तारीख के आसपास कहीं भी जाने का, क्योंकि बर्फ भी मिलेगी और बर्फ पिघल भी हुई होगी, आपको स्ट्रीम मिलेगी, बर्फ मिलेगी, ब्रीजी वेदर मिलेगा। को
दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और आप देखिए मलाना बेहद बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक बार जरूर विजिट करिए मलाना को, बस थोड़े से रास्ते बहुत ज़्यादा ट्रेचरस हैं, पर एक बार आइएगा। और गाइज प्लीज़ टू शेयर लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, एंड गाइज सब्सक्राइब तो कर ही देना और घंटी का बटन दबा देना, सो दैट कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास एकदम नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइज मटेरियल कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसा मोटिवेट हमको करते रहिए यार, कर दो यार सब्सक्राइब। और 50 किलो का मेरा बैग, दोनों बैगों का वेट 50 किलो, तो 200 किलो, 200 kg, वाह, 200 kg ऑन 100 cc, अजीब लगता है ना। सो गाइज यहाँ पे 2-3 आंटी बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि मलाना कितना रह गया, उन्होंने कहा मलाना आ चुका है। सो गाइज हम मलाना में आ चुके हैं, मैजिक वैली में आ चुके हैं, और ये छोटा मलाना है क्योंकि मलाना का थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये यहाँ पे 10 या 15 घर हैं, सो बस इसको छोटा मलाना बोल सकते हैं। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई बूढ़ी हो कोई भी हो किसी को आंटी मत बोलो, दीदी कह के बोल दो, चाहे बड़ी हो कोई भी हो, मैं तो दीदी कह के बोलूँगा। एक मैंने एक आंटी को बोला, ए आंटी किसको बोलता है, मैं दीदी जैसी है तेरी, ओके ओके, फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा दीदी ही बोलना है। सो गाइस अब मलाना में ही रुकते हैं, थक चुके हैं यार बहुत, वाट लग चुकी है हाथों की, सर की, AMS विक्रम को भी और मुझे भी हो चुका है यार, सर दर्द हो रहा है, अब रुकते हैं बस। मोबाइल चार्ज हो जाएगा, मोबाइल चार्ज मिल कर दे। सो गाइस वी रीच टू मलाना एंड दिस इज आवर ब्लैक टाइगर, फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करते हैं फ़ोन को। और मलाना यहीं पे है, बहुत ट्रेचरस था, लिटरली इट्स टू ट्रेचरस, एंड मोबाइल नेटवर्क्स आर हियर, एयरटेल इज ऑल्सो हियर, एंड BSNL ऑल्सो, ओके। सो गाइस वी रीच्ड मलाना गेट, आई थिंक वी कैन से इट एज अ छोटा मलाना right now where I am, and from here the track is started, this is the way to Malana shortcut, exact main gate is there, and we'll come back from there, so now we are starting, so let's go.